तो पहुंच गए गाइस फाइनली मंकी फॉरेस्ट। अभी हम अपनी स्कूटी है पार्किंग पे, सो पहुंच गए गाइस पार्किंग, सो फाइनली पार्किंग पे लगा दिया हमने, ठीक है। बाकी अभी चार्जेस अभी तो नहीं लिए, शायद बाद में लिए जाएंगे चार्जेस, देखते हैं क्या रेंट है। अभी हम स्कूटी को अच्छी तरह लॉक कर देते हैं। सो गाइस मंकी फॉरेस्ट में एंट्रेंस के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे टिकट्स लेनी पड़ेगी। अब टिकट्स का देखते हैं क्या प्रोसेस है, कितने की टिकट पड़ती है। तो ये है यहाँ पे मेन हॉल, बाकी बाहर का देखिए सीन बहुत ऑसम है। सो टिकट्स ले लिया गाइस फाइनली, 2% की ये हमें पड़ी है 80,000 1% की, तो 1,60,000, बाकी आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन में। तो बाकी यहाँ से एंट्री होगी, ये बार कोड है, बार कोड को यहाँ पे स्कैन करके फिर एंट्री होगी, आपको फिर दिखाते हैं अंदर का। तो स्कैन किया और डेट सीट वी आर चलेगा, चलते हैं आपको आगे दिखे। सो गाइस अभी हम एंटर करने लगे हैं कि हो सकता है अंदर अगर हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो क्लियर ना बन पाए, तो अभी हमें आपको फ्रंट से दिखा देता हूँ, अगर बन पाए पॉसिबल हो तो आपको जरूर अंदर का दिखाते हैं। बाकी गाइस यहाँ का देखिए सराउंडिंग्स देखिए, भाई यहाँ पे इस एरिया में ना एक चीज नोट करने वाले हैं, यहाँ पे ठंडक बहुत है, ठंडक वैसे तो धूप निकली है बाहर, बट यहाँ पे पेड़ ज़्यादा है इस करके ज़्यादा यहाँ पे महसूस ही नहीं होता। बाकी गाइस आप इंजॉय कर ही रहे होंगे ऑब्सो। बाकी गाइस अगर अपने चैनल पर पहली बार आना है गाइस, सब्सक्राइब बटन को आपने ज़रूर दबा देना है। तो यहाँ पे ज़्यादा यार देखने को कुछ नहीं, बस एक फॉरेस्ट है, ठीक है, अच्छा इलाका सब बना हुआ, ग्रीनरी है और साथ में यहाँ पे मंकीज हैं, यही सब कुछ देखने के लिए। सो गाइस अभी दोपहर के 2 बज गए हैं और अभी तक मानेंगे सुबह का हमने कोई ब्रेकफास्ट नहीं, कोई लंच नहीं। अब देखते हैं यहाँ से फ्री होकर सबसे पहले हम लंच ही करते हैं, उसके बाद जाएंगे हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। बाकी ये देखिए बाकी ठीक है, पीने का पानी भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये फिलहाल बंद है, पीछे ग्रीनरी है बस यहाँ पे, ये चीज़ है। हम लोग आप ये लगा लो वीज़ा लगा के यहाँ पे सिर्फ एक ग्रीनरी देखने आ रहे हैं, बट ठीक है, एयर सिटी भी अच्छी बनी हुई है। यहीं पे मंकी फॉरेस्ट में एक कोई म्यूजियम बनाओ, म्यूजियम क्या फोटो गैलरी है। तो यार एग्जिट ले लिया हमने यहाँ पे मंकी फॉरेस्ट से, बाकी हमने आपको दिखाई दिया मंकी फॉरेस्ट, ठीक है, एक फॉरेस्ट बना हुआ जिसमें ज़्यादा मंकीज़ हैं, ठीक है, ठीक है, ओवरऑल अच्छा था। बाकी चलते गए अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, उससे पहले गए सबसे पहले हम लंच करते हैं, उसके बाद जाएंगे अभी। सो लंच हो गया यार, लंच हमने यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट था वहाँ पर जाके करा, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, अभी हमने
मंकी फॉरेस्ट कवर किया है और अब देखते हैं अगली डेस्टिनेशन कौन सी है। अभी यार थोड़ी सी बारिश पड़ने लग गई थी, फिर से यहाँ पे धूप निकल आई। चलिए चलते हैं कहीं। मैंने अभी हम जा रहे हैं अलास हरूम, बढ़िया डेस्टिनेशन है एक। यहाँ पे बढ़िया पूल का स्टाइल दिखाऊंगा गाइस मैं आपको। पार्किंग, अभी हम पार्किंग पे पहुंच गए, स्कूटी पार्क करते हैं। एक मिनट, स्कूटी पार्क वेयर? ओके चलो इनसाइड। ओके 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 ओके, एक कार चलो पीछे मोड़ लो वापस। ये तो सिर्फ यहाँ पे कार की पार्किंग है, बाइक स्कूटी की दूसरी साइड है जहाँ पे। सो फाइनली गाइस पहुँच गए आलम हरूम, ये बाली। ये गाइस एक रिजोर्ट है, मैं आपको गाइस यहाँ का स्विमिंग पूल दिखाऊंगा। सो अभी हमने अपनी जो स्कूटी है पार्क कर दी है पार्किंग में। बाकी ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये पीछे का रिजोर्ट है, अंदर चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अभी हम आलस हरूम वाली, ये उससे थोड़ी सी दूर पड़ता है, ऐसे गाइस एक घंटा लग जाता है। तो गाइस हम यहाँ पहुँच गए गाइस, ये एक रिजोर्ट है एंड गाइस यहाँ पर आपको मैं अंदर का सीन दिखाऊंगा। और स्विमिंग पूल यहाँ का सबसे फेमस है, इसमें गाइस लेयर बाई लेयर यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया गया, वो मैं आपको अंदर जाके दिखा रहा हूँ। तो आपने अपनी जो स्कूटी है पार्क कर दी है साइड में, वो साइड में गाइस पार्किंग है सामने। और ये यहाँ पे इसके ठीक है एंट्रेंस है, और अभी हम जाएंगे इसके देखेंगे टिकट वगैरह क्या प्राइस है और वो आपको बताते हैं। हमने इस रिजॉर्ट की दो टिकट्स भी ले लिए जो कि हमें 1,00,000 में पड़ी है, मतलब 50,000 की। आप उसको इंडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे दो बैंड दिए गए हैं, मतलब बैंड पहन के आपको अंदर एंट्री मिलेगी, अंदर जाके आपको स्विम दिखाते हैं। चलिए कट।